हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल इन न्यू वीडियो। एंड फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द चैप्टर नंबर 1। ओके, सो टुडेज टॉपिक इज बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। सो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। सो स्टूडेंट्स, इन द लास्ट वीडियो, ओके, आई हैव टॉट यू ऑल स्टडी अबाउट दिस, about the systematics. Okay students, in that I told you about identification, classification, nomenclature. Okay students, so bachcho jo nomenclature hote hain, in that I have told you all, in today's era, in today's world, which kind of system is being followed, that is the binomial, that is the binomial nomenclature. ठीक बच्चों, जैसे आप देखेंगे ना, किसी का नाम जैसे होता है, मान लीजिए, ठीक है, जैसे कि मेरा नाम ही ले लीजिए, तो क्या है बच्चों, यहाँ पे सी के पटेल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, देख मेरी रफ कॉपी, तो सी के पटेल, ठीक है। या किसी का नाम मान लीजिए मनोज पटेल है, ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो मनोज और पटेल, ठीक है। तो ये मनोज एक है, ये कि ये तो उसको कह सकते हैं कि बायनोमियल है, ये दो दो वर्ड रखे गए हैं, इसलिए क्या कहते हैं बच्चे इसको, बायनोमियल। इसी तरह से साइंटिफिक नेम भी बच्चों यहाँ पे दो तरह से रखे जाते हैं, ठीक है। पहला होता है, फर्स्ट इज द जीनस, सेकेंड इज द स्पीसीज। जीनस इज शॉर्ट इज कॉल्ड, ओके, या वी कैन से अदर नेम वर्ड इज कॉल्ड जेनेरिक नेम, दैट इज कॉल्ड जेनेरिक नेम, सी हियर, ठीक है बच्चों। और एंड स्पीसीज को क्या बोलते हैं अदर नेम में, इट इज़ द स्पेसिफिक नेम, स्पेसिफिक नेम, ठीक है। या इसे बोलते हैं स्पेसिफिक एपिथेट भी बोलते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। बुक में थोड़ा देखिएगा, आपको समझ में आएगा बच्चों, ठीक। तो अब देखिए, पहले आपको मैं ऐसी जानकारी दे दूँ तो आपको ये कॉलम समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए होमो सैपियंस की बात करते हैं, तो एग्जांपल की हम बात करें तो होमो सैपियंस, ठीक बच्चों। और हम बात करें एग्जांपल की, तो मैंगीफेरा इंडिका। बच्चों होमो हो ये जीनस, होमो मैंगीफेरा ये क्या है, जीनस है, ये भी क्या है, जीनस। और सैपियंस और ये इंडिका, ये भी क्या है, स्पीसीज है, ठीक है। जैसे आप देखिए, जीनस हो सकता है एक ही हो, ठीक है, स्पीसी भी हो सकता है एक ही हो, लेकिन एक केस और आता है कि जीनस एक ही होगा लेकिन स्पीसीज कई होंगे। जैसे आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल 1 हो गया, एग्जांपल 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे नोट में लिखा रहा हूँ, अभी आगे पढ़ाऊँगा बच्चों। जैसे कि सोलैनम नाइग्रम बच्चों क्या है, सोलैनम ट्यूबरोसम, ठीक है बच्चों। तो सोलेनम नाइग्रम जो है, ये जानते हो, मको जानते हो ना, रसभरी बोलते हो, उसका साइंटिफिक नेम है, उसका सोलेनम जीनस है, नाइग्रम क्या है, स्पीसीज है बच्चों। लेकिन सोलेनम और ट्यूबेरोसम एक और भी प्लांट का नाम है, ठीक है ना, एक और भी प्लांट का नाम है, ठीक है। तो सोलेनम ये हो गया, सोलेनम ये हो गया, दोनों क्या हैं, जीनस, तो कॉमन है बच्चों, ठीक है। मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है, शायद दिस इज अ यू नो पोटैटो का होता है, ठीक है। चलिए मैं कंफर्म कर बता दूंगा आप लोगों को। तो बच्चों यहाँ पर सोलेनम और ये नाइग्रम सोलेनम ट्यूबरोसम, बच्चों ये दोनों क्या है, ये अभी दोनों बच्चों जीनस का नाम है, जीनस सेम हो गए, इसी बच्चों दोनों के अलग अलग हैं, ये अलग प्लांट को शो करता है, ये अलग प्लांट को शो करता है, ठीक बच्चों। तो अब इसी चीज़ को यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जनरल सी चीज़ें यहाँ पर हैं। देखिए पहला पॉइंट, इट इज़ ऑलवेज स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर, हमेशा कैपिटल से, देखिए एच ओ एम हो, एस ओ एस ओ, हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होता है, देखिए दोनों, ठीक है। इट इज़ द फर्स्ट वर्ड ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म,
ठीक है। पहला वर्ड है किसी ऑर्गेनिज्म का जो साइंटिफिक नेम उसकी बात कर रहा हूँ। इट इज़ द जेनरिक, यानी कि उसको जेनरिक, उसका जो मेन करेक्टर है, जो उसका मेन पहचान है, उसके जीनस से है। सेपियंस बोले, सेपियंस को मतलब है नहीं ना, मतलब है ठीक है। लेकिन बच्चों हम बोलें कि होमो बोले तो होमो से पहचान है उसकी है, ठीक है, कि उसकी जीनस होमो है, क्योंकि हजारों लाखों जीनस हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, इट इज अंडरलाइन व्हेन इट इज रिटन इन हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग में जब होता है बच्चों इसको अंडरलाइन करते हैं। देखिए मैंने इंडिका नहीं किया था ना, ये देखिए यहाँ किया हूँ, तो हमेशा अंडरलाइन किया जाता है। अगर प्रिंटेड फॉर्म में होती है, प्रिंटेड बुक में होती है, तो बच्चों क्या होती है, ये इट इज़ इन प्रिंटिंग इट इज रिटन इन इटैलिक्स। इटैलिक्स मतलब होता है तिरछे। आप ये देखिए, देखो बच्चे यहाँ पे देखो ना, ये मस्का डोमेस्टिका इट इज़ एक्सेप्टेबल। देखो तिरछे दिखा ना, देखो ये देखो वर्टिकल है, ये देखो इटैलिक्स में है, ठीक है। देखो सब के सब देखो वर्टिकल है, ये इटैलिक्स में है। देखो बायोलॉजिकल नहीं मतलब साइंटिफिक नहीं, देखो सब के सब, ठीक बच्चों, ठीक है। चलिए और इसी तरह से स्पीसीज की जाने, तो इट इज़ ऑलवेज स्टार्ट विद स्मॉल लेटर। हमेशा किससे होता है, स्मॉल लेटर। देखो आई स्मॉल से, एस स्मॉल से, एन और ये टी बी स्मॉल से है, ठीक बच्चों। आगे हम चलते हैं, इट इज़ द सेकेंड वर्ड ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म ऑफ इट्स साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम का जो सेकेंड वर्ड होता है वो क्या होता है, स्पीसीज होता है, या स्पेसिफिक एपिथेट भी बोलते हैं। स्पेसिफिक एपिथेट बता रहा हूँ, ठीक है। अगला बच्चों क्या है, इट इज़ द स्पेसिफिक नेम बता चुके हैं। इट इज़ आल्सो अंडरलाइन, ये भी क्या किया जाता है, अंडरलाइन किया जाता है। देखो सब अंडरलाइन किए हम, ठीक। इट इज़ आल्सो रिटन इन इटैलिक्स, ये भी क्या होता है, इटैलिक्स में लिखा होता है, ठीक है। आल्सो रिटन इन इटैलिक्स इन प्रिंटिंग, ठीक है, अंडरलाइन इन हैंड राइटिंग। ठीक बच्चों, सो आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब इसके बाद हम आपको जो पढ़ाएंगे वो हम पढ़ाएंगे टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। क्या पढ़ाएंगे, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। थोड़ा सा बुक से आप लोग ये देखिए, ये देख लीजिए, आप लोग देख रहे हो बच्चों ना, ये पढ़ाएंगे किंगडम, फाइलम या क्लास, डिवीजन, ये पूरा पढ़ाएंगे, ठीक है ना। ये देखो लिखा ना, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज लिखा बच्चों ना, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। ये थोड़ा जीनस देखो ना, स्पीसीज से स्टार्ट है, जीनस है, फैमिली है, ऑर्डर है, क्लास है, फाइलम है, किंगडम है, ठीक है। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं जानते हैं ना, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, की पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक, ठीक बच्चों। तो चलिए इसको पढ़िएगा, हम कल इसको पढ़ाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर।